दूसरा एक बड़ा किताब हम निकाल रहे हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रचना का समय में जो हुआ और 75 वर्ष का हमारा ग्लोरियस जर्नी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक किताब निकाल रहे हैं। उस किताब में पूरा डॉक्यूमेंट हमारा लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में, संविधान के उस सभा में जो चर्चा हुई थी, अंबेडकर जी ने क्या बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यू क्या क्या था, जयकर का व्यू क्या था, सरोजिनी नायडू का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हुआ, 15 महिलाओं ने जो संविधान सभा का सदस्य थे, 15 महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, ये सारा चीज हम लोग देश के सामने में लेके आने वाले हैं। और साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी हमारा एसटी एससी कम्युनिटी का रिजर्वेशन के खिलाफ में उसका क्या व्यू था, आगे जाकर के 1990 में जब मंडल कमीशन का आयोग का रिपोर्ट आया और जब मंडल कमीशन के तहत ओबीसी का 27% रिजर्वेशन का फैसला हुआ, उस समय सदन में खड़ा होकर के श्रीमान राजीव गांधी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन का खिलाफ किया, वो मैं नहीं कह रहा, हमारा पार्लियामेंट का रिकॉर्ड में जो डिबेट डिस्कशन का रिकॉर्ड होता है, वहां से हम लोग निकल करके वो जनता के बीच में रखेंगे। पूरा आप लोगों ने संविधान से लेकर के हर समय आप लोगों ने हमारा आदिवासी, हमारा शेड्यूल कास्ट, हमारा बौद्ध समाज, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ में पूरा जो जो किया है वो रिकॉर्ड देश और दुनिया का सामने में आना जरूरी है, बच नहीं सकते। आप हमारे समाज के बीच में आकर के पूरे जो पाप काम किया, आज के लोगों के बीच में जाकर के माफी मांगना चाहिए। हम लोग गरीब जरूर है, बैकवर्ड जरूर है, लेकिन करके हम पूरे हिम्मत के साथ आगे निकल चुके हैं। अब हम कांग्रेस का वो दुष्प्रचार के सामने में झुका, तो कांग्रेस और उनके लोगों ने शासन करके इस देश को गरीब राष्ट्र बना कर रखा है, तो हमने देख चुका है। मोदी जी का आने से पहले हम जब विदेशों में जाते थे तो हमारा क्या हाल था, लोग सोचते थे ये भारत देश से आया है तो या कुछ मांगेंगे, मदद मांगेंगे या नौकरी के तलाश में विदेश जाएंगे। हम लोगों को एक बहुत ही बैकवर्ड कंट्री से आने वाले के रूप में हमको बहुत ही नीचे नजर से देखते थे। आज हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, सर उठा के सीधा तान के हम चलते हैं, लोग हमको इज्जत देते हैं। मोदी जी का देश, अंबेडकर का देश, हमारा ये भारत देश जो भी आते हैं सबको बहुत सम्मानजनक पेश आते हैं, और हमको पूरे बीच में बिठा करके भारत के प्रतिनिधि जो भी आते हैं उनको बात करना चाहते हैं। हमारा देश को आज लोग बहुत ऊंचे नजर से देखते हैं। आज पूरा G20 दुनिया का सबसे जो 20 सबसे बड़ा आद्य शक्ति वाला देश है, उसमें से सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था भारत देश बन गए हैं। हम लोग तो कितने साल से देख रहे थे, मैं संसद में कितने सालों से मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं, हम लोग हमेशा सोचते थे हमारा देश भी चाइना जैसे कि तेजी से कब आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी कोरिया जैसे, सिंगापुर जैसे, अमेरिका जैसे तेजी से कब आगे बढ़ेगा, हम सोचते थे। आज कितना फक्र महसूस होता है, आज हम वास्तविकता है, ये सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। हमारा GDP फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, देश दुनिया में मंदी लगाया हुआ है, स्लो चल रहा है, इकोनॉमी में कमजोरी आए हैं, लेकिन भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इतना अच्छा माहौल में हम लोग चुनाव में आपके बीच में आए हैं, तो हमारे मीडिया साथियों के माध्यम से मैं हमारे महाराष्ट्र के जनताओं को कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा हमारा सरकार चल रहे हैं उसको भारी बहुमत से और आगे जिताना है, जो माहौल में देख रहा हूँ। और राज्य सरकार जितना भी काम करना चाहेगा, अगर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा तो पूरा काम हो नहीं सकता है। ये डबल इंजन का सरकार महाराष्ट्र और केंद्र का एक तालमेल का साथ आगे चलेंगे, तो मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र हमारा देश का जो सपना है 2047
47 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र प्रदेश करेगा, मुझे उम्मीद है। और उस रास्ते पे हम लोग चले हैं, इसलिए ये अंतिम दौर जो मैं देख रहा हूँ, इस बार भारी समर्थन जो मैं जमीन पर देख रहा हूँ, मैं बहुत ही उत्साहित भी हूँ, पॉजिटिव हूँ, और इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा, मैं ऐसा उम्मीद है। और आप लोगों के माध्यम से मैं जो संदेश कांग्रेस पार्टी को भी उनके साथियों को दिया है, उनका जवाब कांग्रेस पार्टी अगर मुझे दे सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि लोकतंत्र में जब हमने सवाल पूछे हैं तो उसका जवाब जरूर आएगा, ये उम्मीद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहा है उस संविधान के बारे में, संविधान के अंदर क्या लिखा है सबको जानने का। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तभी उन्होंने संविधान को लोगों तक पहुंचाने का संविधान यात्रा तभी निकला था, ये नई नहीं है। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब फिर संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया शुरू किया। अभी हम शुरू किया ये नहीं है, 2015 से शुरू किया है। इस साल विशेष इसलिए कि ये 75 वर्ष पूरा हो जाए, तो आप जानते ही है 50 साल 75 वर्ष या जब वो सेंटिनरी होते हैं तो विशेष रूप से बड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो इस बार हमारा लक्ष्य नंबर वन, हमारा हर एक भारत के नागरिक का दायित्व है संविधान जो हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उसके नेतृत्व में जो दिया है उसको मानना, और हमेशा हमेशा के लिए संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं उसका मूलभूत। वैसे तो संविधान का छोटा छोटा जो अमेंडमेंट होता है 106 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन जो उसका ढांचा है उसका प्रीएम्बल उसको कोई नहीं छू सकता है, इसको अवेयरनेस करना है, ये हमारा सबसे पहले प्राथमिकता है। दूसरा, ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि संविधान दिवस पहले नहीं मनाते थे, अब हम हमेशा मनाने का जो प्रक्रिया है वो सिर्फ पार्लियामेंट तक क्यों केंद्रित रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक क्यों रहना चाहिए, वो हर एक घर हर एक परिवार तक पहुंचना चाहिए। इसलिए जो हम किताब पब्लिश करने जा रहे हैं वो किताब हम चाहते हैं कि हर एक भारतीय वो किताब पढ़ना चाहिए। किताब मतलब हम कोई नया कहानी नहीं लिख रहे हैं, वो रिकॉर्ड को कलेक्शन करके जो कांग्रेस ने कभी उसका प्रचारित नहीं किया उसको हम लोगों के बीच में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए संविधान दिवस का 26 नवंबर से लेकर के पूरा साल भर ये कार्यक्रम चलेगा। सर राहुल, जब तक शीर्ष नेतृत्व कैबिनेट मंत्री पार्टी का अध्यक्ष कोई चीज नहीं बोलते हैं तो साहित्य में अगर कोई टिप्पणी करता है किस संदर्भ में कहा या कौन सा प्रोविजन को लेकर कहा उसको लेकर के हम लोगों को कोई उसको ध्यान देने का आवश्यकता नहीं है और इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री ने जो कहा जो किया मैंने आपके सामने में बताया, और बाबा साहब के कदमों पर उसके चिन्ह पर उसके रास्ते पर चलने वाला मैं एक उनका अनुयायी हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ मैं इस देश का संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते जो आपको बता रहा हूँ वही हमारा लाइन है। इधर उधर सुनने का कोई आवश्यकता नहीं है और उससे कोई गुमराह भी नहीं होना चाहिए। सर अभी हाल ही में आप परिभाषित कैसे किया है, किसने कैसा इंटरप्रेट किया है, कैसा रूप दिया है, उस पर मत जाइए। मूलभूत ये आप समझिए, पूरा देश में हमको एकजुट रहना है, हमको यूनिटी में रहना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम एकजुट रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, ये यूनिवर्सल बात है, इसका मूल भाव को समझने की आवश्यकता है। अलग अलग इसका इंटरप्रिटेशन में मत जाइए, हम पूरा भारतवासी एकजुट है, एकजुट रहेंगे। आज हमारा देश में विभाजित करने के लिए कई ताकतें हैं, देश के अंदर में भी है, देश के बाहर भी है। ये जैसे सोरोस जैसे आदमी लोग अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कई ऐसे संगठन हैं जो वहाँ से पैसे बेचते हैं और हमारे देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उसको फंडिंग करते हैं, और हमारा देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे देश कमजोर हो। उसका खिलाफ में हमारा सोच है कि हम यूनाइटेड रहना चाहिए, और ये विदेशी ताकतें और हमारा देश विरोधी ताकतों का
जो षड्यंत्र है उसको नकारने के लिए हम एकजुट रहना चाहिए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसमें तो मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, पूरा हमारा भारत देश के हर एक जन को समर्थन करना चाहिए कि हम सब एक है। सर एक कभी राहुल, पहले तो मैं अपने आप को, मैं ये समझता कि राहुल गांधी आज हमारा देश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और मैं बात करते रहना पड़ता है। ये मेरा मजबूरी भी है, मेरा दायित्व भी है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते सारा ऑपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी, हर एक मेंबर और सदन के जितने भी जो पार्टी के नेता है सबसे मुझे बात करना पड़ता है। पर्सनल लेवल में मैं राहुल गांधी को पूरा भला मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो मुद्दे आपने रखा है मैं उसको लेकर के एक कड़ी बातें मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी एक ऐसा परिवार में जन्म हुए हैं, उसको लगता है कि पूरा देश ही उसका परिवार के अधीन है, वो सोचते हैं कि पूरा भारत उसका जागीर है, उसका आदिवासी शब्द का मतलब भी उनको नहीं मालूम। ट्राइबल क्या होता है, ट्राइबल कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, उसको अनुभव भी नहीं है। अभी वो महीने में 25 दिन विदेश में रहता है, 5 दिन भारत में वापस आते हैं और नाटक करते हैं हमारा आदिवासी का घर, हमारे दलित के घर जाने का और खाना खाने का नाटक करते हैं। ये कुछ सीखने की उम्र है क्या? अब ये हमसे थोड़ा छोटा है वो, लेकिन 54 ईयर्स हो गए हैं राहुल गांधी, अभी सीखना है क्या उसको? अभी बोले कि वो दलित का घर में गए ऐसे रहते हैं क्या? हम लोग तो उसी परिवार से जन्मे, उसी से पले बड़े हैं। हमारा प्रधानमंत्री उसी गरीबों के बीच से, उनका आशीर्वाद से उत्पन्न होकर के आज देश सेवा कर रहे हैं। जो आदमी हमारा दलित समाज के, हमारा आदिवासी समाज के जीने का जो अंदाज, हमारा जो तकलीफ उसको महसूस ही नहीं कर सकते हैं, नाटक करके फोटो खींचने से कुछ नहीं होता है। एक आदिवासी एक बहुत को जब 70 साल बाद में इस देश का कानून मंत्री बनाया, तो क्या राहुल गांधी को उससे पहले कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई बहुत नजर नहीं आया था क्या? इसलिए मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से कोई इंटेलेक्चुअल, एक अच्छा नेता आज कांग्रेस का संचालन करता तो आज लोकसभा भी, जो हम शुरू में पार्लियामेंट आए थे जैसे हम लोग एक बहुत ही अच्छा वातावरण में डिबेट होता था, वो देखने मिलता है। जब से राहुल गांधी लोकसभा में आए हैं डिबेट का स्तर गिर गया है, क्योंकि हमारे यहाँ से तो बोलने वाले हैं लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई नहीं है। वहां जो बोलने वाले हैं वो डरते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो उसका युवराज है, उसके बिना वहां कुछ होता ही नहीं। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का कई सीनियर MP मेरे पास आते हैं, बोलता है कि हम लोग तो कहना चाहते हैं, डिबेट डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को डिबेट डिस्कशन को मतलब नहीं है, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता। जो चिट पकड़ के देते हैं किसी NGO ने, उसको पढ़ते हैं और उसको झापते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी के मुंह से दलित, आदिवासी, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब नाम उनके जुबान पे नहीं आना चाहिए, उसका अधिकार नहीं है। सर बहुत, मैं कल यहां आए, परसों तक एक दिन में मुसलमानों का जितना प्रतिनिधि है 80% प्रतिनिधि ने आकर के मुझे बोला है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का वो समर्थन करते हैं। और कई मुसलमानों में जो वंचित लोग हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी है मुसलमानों के अंदर में, महिलाओं का प्रतिनिधि मेरे पास आए, इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, सब ने कहा कि वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड लोगों ने क्या किया है, वक्फ प्रॉपर्टी 9 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ, वो गरीब मुसलमानों का कोई काम नहीं आ रहा है। इसलिए हमने ये जो अमेंडमेंट लाया है वो हम विंटर सेशन में पारित करेंगे, और साथ साथ में इतना जो दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है उसको हम गरीब मुसलमानों के लिए,
उनका शिक्षा के लिए, उनका स्वास्थ्य के लिए, उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए फॉर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल, ये सारा चीज हमने ध्यान में रख करके अमेंडमेंट लाया है। और मैं खुद मैं दोनों देख रहा हूँ, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी मेरे पास है, तो मैं ही सारा बिल पायलट कर रहा हूँ। इसलिए पूरा प्रावधानों के बारे में मैं खुद अध्ययन कर रहा हूँ, और वक्त बिल हम पारित करने के बाद मुसलमानों के बीच में भी समानता आने का संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है वो माफियाओं के हाथ से निकल करके गरीब मुसलमानों के बीच में जाएगा।